हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटी ट्यूटोरियल। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, लेक्चर नंबर 2, ये सीरीज चल रहा है सीएसआर, नेट, गेट, आईआईटी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, मैंने प्ले लिस्ट में ऑलरेडी री एनालिसिस के लिए वो लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उससे पहले देख लें, तब आपको अच्छे से समझ आएगा ये लेक्चर नंबर 3। तो जिन बच्चों ने देखा हुआ है, चलिए हम लोग उनके लिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीमम ऑफ सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, ठीक है, सुप्रीम उसी से ये बना है, सुप्रीमम, ठीक है, मतलब बड़ा। तो अगर कोई सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड एवफ सेट है, मैंने पहले के लेक्चर में बताया हुआ है बाउंडेड एवफ सेट क्या होता है, आप प्लीज़ उसको देख ले, तब आपको अच्छी तरीके से एक एक बात समझ आएगी, ठीक है। चलिए, तो एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और वो बाउंडेड एवफ भी है, ठीक है, यानी कि बाउंडेड एवफ है तो उसके पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स तो होंगे ही होंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देन ए हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स, देन स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड। मतलब जितने भी अपर बाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि अगर बाउंडेड वेव है तो बाउंडेड अपर बाउंड्स मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, और उन सारे अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो कहलाएगा सेट ए का, जिसको हम लोग सुप्रीमम ऑफ ए भी बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं एल यू बी लिख के, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, जो कि सुप्रीमम ऑफ ए भी है, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया है ओपन इंटरवल 0-1। अगर आपको याद हो तो ये बाउंडेड अपर बाउंड इसका क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा 1-2 इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी जहाँ होगा वहाँ ओपन इंटरवल का साइन लगेगा हमेशा, कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं, ठीक है। तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ऐसा एलिमेंट, ये सेट कैसे बाउंडेड एवव है, ऐसा एलिमेंट हमें एक मिल जाए के जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, छोटे हों या फिर बराबर हो, तो ये 1 है, तो 1 से ये सारे एलिमेंट्स क्या है, छोटे हैं, ठीक है, और 1 क्या है, सबसे बड़ा है, यानी कि 1 से कितना भी बड़ा लेंगे सब इसके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स हो जाएंगे। तो अपर बाउंड्स का ये सेट है क्लोज इंटरवल 1-2 इन्फिनिटी। तो इन सेट में से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब तो बड़ा होते जाएगा, तो सबसे जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ दैट सेट, यानी कि इस सेट का जो सुप्रीमम होगा वो क्या हो जाएगा, 1। समझ आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आपको समझ नहीं आई प्लीज कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी दूसरे तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं रियल लाइन पे, तो ये आपका है ओपन इंटरवल जिसमें 0 और 1 है नहीं, ठीक है, उसके बीच के सारे एलिमेंट से 0 1 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने इंटरवल डिस्कस किया था उसमें बताया था, ठीक है। मैंने तो ऐसा एक मैंने के फाइंड किया जो कि इस सेट को चलिए नाम दे देते ए, इस सेट के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हो, उससे छोटे हों, तो हमने ले लिया 1 से, क्योंकि इसमें 1 तो है नहीं, अगर 1 रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये सारे एलिमेंट्स से 1 क्या है, बड़ा है, तो ये जो 1 है और ये जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एक इंटरवल ले लिया, ये क्या हो गया, इसका अपर बाउंड, इसके बाद से जितना सबसे बड़ा है और ये सारा कलेक्शन है, सेट है अपर बाउंड का, इनमें से सबसे छोटा कौन है, 1, ठीक है, सबसे छोटा यहीं से शुरू हुआ है क्योंकि, तो ये हो गया 1, सुप्रीमम इसका 1 हो गया, या आप बोल सकते हैं लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड क्या हो गया, वो भी 1 हो गया। इसी तरह से इन्फिमम, इन्फिमम क्या होगा, मैंने पूरा डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा है, बस इसी में कुछ चेंजेस करने हैं। कोई भी ए है जो कि नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है, दिस टाइम बिलो सेट है, क्योंकि अब हम लोग इन्फिमम की बात कर रहे हैं, तो हमको नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट लेना है, और बाउंडेड बिलो है वो सेट तो उसके पास क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि अगर बाउंडेड बिलो सेट होंगे तो उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होंगे, और जितने भी लोअर बाउंड्स का कलेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्फिमम ऑफ दैट सेट, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स। फिर से एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ, रियल लाइन हमने लिया 0 लिया, 1 लिया, फिर से ओपन इंटरवल 0-1 ले रही हूँ जिसमें 0-1 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है, सॉरी, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स है, उसको मैंने नाम दे दिया सेट ए का, ठीक है। अब मैंने अपर बाउंड बताया 1-2 लेके इन्फिनिटी, ठीक है,
और इसका लोअर बाउंड मैंने बताया 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैसे लिखना, आप प्लीज़ उस लेक्चर को देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये हो गया लोअर बाउंड। अब लोअर, इस लोअर बाउंड में सबसे क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो इधर जब से जाते जाएंगे तो एलिमेंट क्या होते जाता, छोटा होते जाता नेगेटिव साइड, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 0। तो इसका इन्फिमम क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ डैट सेट 0। क्या फिर आप बोल सकते ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे एक एक करके। तो एक लिस्ट में बना के सब समझाऊंगी, लेकिन अभी कुछ दो और टर्म्स है, ठीक है, उस टॉपिक से डील कर लें, फिर एक साथ मैं एग्जाम्पल लूँगी और सुप्रीमम, इन्फिमम और मैक्सिमम और मिनिमम एक साथ डील होगा, ठीक है, आपको क्लियर तब समझ आएगा। ठीक है, चलिए, अगर इस पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है तो अब बढ़ते हैं मैक्सिमम की तरफ। मैक्सिमम ऑफ सेट क्या होता है, या जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट। अगर जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा सारे अपर बाउंड का, उसको क्या बोल देंगे, सुप्रीमम, और इन्फिमम बोलेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ डैट सेट। अगर ये सुप्रीमम ऑफ ए, उस सेट का जो भी सुप्रीमम होगा, अगर उस सेट में बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट, देन वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा उस सेट का, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा उस सेट का। कैसे, एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए, फिर से यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि रियल लाइन है 0, 1 एक्सक्लूडेड है, यहाँ से अपर बाउंड हमारा शुरू हो रहा है, क्लोज इंटरवल 1 to -∞। इसमें हमने सबसे छोटा निकाला 1, जो कि हमारा कहलाया सुप्रीमम। ठीक है, अब ये जो सुप्रीमम 1 है, क्या इस सेट ए में है, नहीं है। मैंने क्या बोला, ये ओपन इंटरवल 0, 1 है। ओपन इंटरवल का मतलब है इन दोनों के बीच का एलिमेंट सारा इसमें होगा 0 और 1 को छोड़ के, तो 1 तो इसमें है नहीं, तो इसका मैक्सिमम एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, नल। ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीमम इसमें बिलोंग ही नहीं करता है। ठीक है, अब बात रही इसकी इन्फिमम की, तो इन्फिमम इसका क्या आया था, 0, तो लाइकवाइज 0 इसमें एक्सक्लूडेड है, तो इसका मिनिमम भी नहीं होगा, क्योंकि वो सेट में होना ज़रूरी है उस एलिमेंट का। अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा मैंने मिनिमम नहीं बताया, तो मिनिमम के लिए भी वही है, अगर इन्फिमम ऑफ ए जो है वो अगर सेट में बिलोंग कर जाए, तो मिनिमम ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो है हमारा इन्फिमम ऑफ ए। ठीक है, मतलब लोएस्ट एलिमेंट, सबसे लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट उस सेट का क्या हो जाएगा, इन्फिमम ऑफ ए, जब वो उस सेट पे बिलोंग करे। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्लोज इंटरवल 0, ठीक है, सेमी क्लोज्ड है, ये सेमी क्लोज्ड है और एक तरफ से ओपन है। इसका मतलब आप रियल लाइन पे देखें तो ये 0 है, ये 1 है, ये कुछ इस तरह से है, 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। इसका अगर अपर बाउंड निकाला जाए तो इसका अपर बाउंड हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to ∞, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं, लोअर बाउंड बताओ जल्दी, वेरी गुड, -∞ to 0। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सुप्रीमम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटा देखते हैं सारे अपर बाउंड में, तो 1 है, और इन्फिमम क्या है, सबसे बड़ा देखते हैं लोअर बाउंड में, तो 0 है। क्या सुप्रीमम 1 है, ठीक है, 1 क्या इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल पे, नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब है 1 के से छोटा जितना एलिमेंट है, पर 1 खुद नहीं, वो एक्सक्लूडेड है, यानी कि इसका मैक्सिमम इसमें नहीं होगा, इसमें कोई मैक्सिमम एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है जो इस सेट पे बिलोंग करे। तो इसका लिस्ट इन्फिमम क्या है, 0, और 0 क्या है, इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, यानी कि 0 है इस सेट में, क्योंकि 0 है ये बिलोंग कर रहा है हमारे सेट में, तो ये कि इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब लिस्ट से समझते हैं सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है पॉइंट्स। अब मैंने यहाँ एक सेट ले लिया है, एक तरफ लिखा है सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट ऑफ डैट सेट। ठीक है, इसका अपर बाउंड क्या था, पूरा रियल नंबर, और लोअर बाउंड क्या था, पूरा रियल नंबर। ठीक है, यानी कि -∞ to ∞। तो ये क्या हो गया, -∞ to ∞ था इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, तो सुप्रीमम के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा,
सबसे छोटा क्या है? माइनस इन्फिनिटी, और लोअर बाउंड भी यही है, तो लोअर बाउंड है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? इन्फिनिटी। और हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी किसी भी सेट में बिलोंग तो करता नहीं है, तो मैक्सिमम और मिनिमम इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सेट में बिलोंग करना चाहिए उसका सुप्रीमम और इन्फिमम। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है सिंगलटन ए। सिंगलटन ए का अपर बाउंड हमने पढ़ा हुआ है क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल ए। ठीक है, अब अपर बाउंड में देखेंगे, इसका मैं लिख देती हूँ, अपर बाउंड है सॉरी ए टू इन्फिनिटी, इसमें ए इंक्लूडेड है, और लोअर बाउंड है माइनस इन्फिनिटी टू ए। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ए, जो कि इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन है लोअर बाउंड में, ए। तो ये जो ए है इस सेट में बिलोंग कर रहा, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम वाला ही मैक्सिमम हो जाता तो ए, और इसका मिनिमम भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इन्फिमम सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा, मिनिमम ए। समझ आई बात? तो इसको लिखने के लिए आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड का दिमाग में आपको दिखना चाहिए कि क्या है अपर बाउंड और लोअर बाउंड, तब आप सुप्रीमम लिख पाएंगे, इन्फिमम लिख पाएंगे, और तब आप चेक कर पाएंगे कि वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, ये मैंने कुछ फाइनाइट सेट ले लिया है। फाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा, इसका सबसे अपर बाउंड क्या होगा, ए एन टू माइनस इन्फिनिटी, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए वन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका सुप्रीमम हो जाएगा क्या, ए एन सबसे छोटा, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ए वन। और ये दोनों एलिमेंट सेट में क्योंकि बिलोंग कर रहा है, तो सुप्रीमम हमारा मैक्सिमम भी कहलाएगा और इन्फिमम हमारा मिनिमम भी कहलाएगा। इजी। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3 इस तरह से होता है। तो इसका हमने देखा हुआ है अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों देखा हुआ हमने। ठीक है, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, बाउंडेड अबव नहीं है, हमने देखा हुआ, डिस्कस किया हुआ है। बाउंडेड बिलो है, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, जिसका लोअर बाउंड सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और अपर बाउंड इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड में सबसे छोटा क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा, और 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमें मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका सुप्रीमम इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका सुप्रीमम माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसे हमने फाइव के लिए किया था, इन्फिमम प्लस इन्फिनिटी, और दोनों ही सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो उस तरह से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट नहीं मिलेगा। उसी तरह इंटीजर के लिए सेम चलेगा, इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, उसी तरह इंटीजर आपका कैसा चलेगा, माइनस 1, 0, 1 द 2 लाइक वाइज इधर माइनस 2। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो सुप्रीमम ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही बिलोंग नहीं करेगा सेट में, तो मैक्सिमम मिनिमम का तो बात ही नहीं उठता है। रैशनल के लिए भी सेम है। ठीक है, रैशनल के लिए भी सेम है, इरैशनल के लिए भी सेम है। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल 0, 1, जो कि मैंने पहले ही एग्जांपल में आपको बताया है। ठीक है, वो तो बहुत क्लियर है, सुप्रीमम हमारा 1 हो जाएगा, इन्फिमम हमारा 0 हो जाएगा, और दोनों ही सेट पे बिलोंग नहीं करता क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 1/n, और n हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है। अगर इसको हम लोग देखें, इस सेट का सारा नंबर क्या होगा, 0 की ओर टेंड करेगा, बट 0 नहीं होगा, इस सेट में 0 होगा ही नहीं, बट क्लोज टू 0 होगा। ठीक है, और पहला एलिमेंट हमारा 1, 1/2, 1/3 कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट में, तो इस सेट का अपर बाउंड हो जाए 1 to infinity, और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो उसमें आप देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, इसका अपर बाउंड हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, और लोअर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा सॉरी, वहाँ क्लोज इंटरवल 1 to infinity। इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है अपर बाउंड, अपर बाउंड में सबसे छोटा देखना है, तो है 1, तो हो जाएगा हमारा सुप्रीमम। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो वो है 0, और ये दोनों बिलोंग कर रहा है क्या इसमें, नहीं, 0 तो बिलोंग नहीं करेगा, और 0 है हमारा इन्फिमम, यानी कि मिनिमम एलिमेंट इसका नहीं मिलेगा, पर मैक्सिमम मिल सकता है क्योंकि इसमें 1 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो यानी कि इसका मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सॉरी 1। ठीक है, उसी तरह आपका ये होमवर्क रहा, आप इसको प्लीज़
कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं रिप्लाई करूंगी आपका आंसर सही है या नहीं। आप बताएं कि इसका सुप्रीमम, इन्फिमम, मैक्सिमम, मिनिमम मिलेगा या नहीं, और होगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब e टू द पावर n एक्सपोनेंशियल है और n कहाँ बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर में। इस सेट में होंगे e टू द पावर e होगा, e का स्क्वायर, e क्यूब, इस टाइप से होगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा आगे। अगर हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही। ठीक है, और टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इन्फिनिटी हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो e तो इसमें बिलोंग करेगा, इन्फिनिटी सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी, पर मिनिमम एलिमेंट है e। ठीक है, लाइकवाइज n टू द पावर 1 बाई n, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग 1 डालेंगे नेचुरल नंबर से, तो ये आएगा 1, फिर रूट 2, रूट 3, इस तरह से। अब लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 बाई n, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। ठीक है, 1 आती है। इस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट होंगे, 1, रूट 2, क्यूब रूट 3, ठीक है, इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे आप जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 1 आएगा, सबसे छोटा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिमम 1 और सुप्रीमम रूट 2। और क्या ये इस पर बिलोंग कर रहा है, हाँ, तो रूट 2 तो इसमें सेट में भी है और 1 भी सेट पे है, तो ये रूट 2 और ये 1। अब आप जान रहे टेन एक्स, उसका रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिमम माइनस इन्फिनिटी दोनों बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो मिलने से रहा ये क्वेश्चन। चलिए रिपीट हो गया है, आप चलिए इसको बताइए, 0 to 1 इधर कर दिया मैंने क्लोज इंटरवल, इधर ओपन है इधर क्लोज, ये आपका होमवर्क रहा। क्या है ये, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 to infinity, और इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं, बाउंडेड बिलो तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 0 to infinity, 0 to infinity में सबसे छोटा क्या है, 0, और ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो मिनिमम एलिमेंट तो मिलेगा ही नहीं, और जीरो इसमें क्योंकि इंक्लूडेड है तो मैक्सिमम मिल जाएगा हम लोग को। ये क्या है, सेट एक्स क्यूब है, और पूरा का पूरा मतलब रियल नंबर ही बन जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगी, तो पूरा रियल नंबर के लिए मैंने यहाँ बताया हुआ है क्या हो जाएगा, आपका सुप्रीमम हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं साइन एक्स का, तो इसका रेंज क्या होता है, माइनस वन से क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, कॉस एक्स के लिए सेम होता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपको लिखना आता है, तो आपका इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका भी 1, और मिनिमम वैल्यू क्या, ये इन्फिमम क्या हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1, दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो, आप मेरे साथ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें, आगे चल के हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नेट में, प्रीवियस ईयर में, गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है सुप्रीमम और इन्फिमम को लेके। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, और आपको अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं, और मैंने जो होमवर्क दिया है उसका भी आप जवाब ज़रूर दें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।